परदेश फिल्म को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं और हम सभी अभी भी शाहरुख खान के मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर अर्जुन से प्यार करते हैं, जो फिल्म में चामर हैं और महिमा चौधरी आदर्श गंगा हैं। इस फिल्म से एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना ड्रीम डेब्यू किया था, हालांकि उनका करियर कई अन्य एक्ट्रेस की तरह आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही फिल्म को 25 साल पूरे हुए, आपको बता दें कि शोमैन निर्देशक सुभाष घई ने कुसुम गंगा के लिए पहली पसंद महिमा चौधरी नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित थी ये बताया। माधुरी दीक्षित उस समय की टॉप हीरोइन में से एक थी और हर कोई उन्हें फिल्म में लेना चाहता था, जबकि सुभाष घई भी इस थॉट से सहमत थे कि माधुरी इस रोल के लिए एकदम सही है। जैसे ही फिल्म ने 25 साल का जश्न मनाया है, घई ने बातचीत में खुलासा किया, मैंने शुरुआत में माधुरी दीक्षित को स्टोरी और कुसुम गंगा का कैरेक्टर सुनाया और उन्हें कहानी पसंद आई। उस समय तक माधुरी पहले से ही एक बड़ी स्टार थी। मेरे ऑफिस में भी लोगों ने एडवाइस दिया कि हम माधुरी को ले लें। हालांकि सुभाष घई ने बाद में अपनी प्लानिंग बदल दी, क्योंकि जब उन्होंने अपने स्क्रिप्ट पर आगे काम किया और कहा कि गंगा का कैरेक्टर एक युवा और मासूम लड़की थी जो आकाश में एक हवाई जहाज देखती है और अमेरिका जाने की सोचती है, क्योंकि उसके दोस्तों ने भी वहां शादी कर ली है, जबकि उन्होंने सुझाव दिया कि माधुरी जैसा स्टार रोल के साथ न्याय नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यू कमर इसे आसानी से कर लेगा, और महिमा चौधरी ने किया। आज 25 साल बाद फिल्म में गंगा के रूप में महिमा के अलावा किसी और की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। वहीं शाहरुख खान को भी इस फिल्म से बहुत प्यार मिला। उन्होंने एक लवर बॉय के रोल निभाए और आज तक वह अपने फैंस को उनका दीवाना बना रहे हैं। महिमा हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के कारण चर्चा में थी और उनकी बीमारी से जूझने की कहानी काफी इंस्पायरिंग थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।